बारबरा उसका फोर्थ वॉल्यूम रिलीज हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था ये। तो आज इसी पर डिस्कशन होगा कि बेस्ट सीन कौन कौन से थे इस एपिसोड में। और पहली वीक हो चुकी है, बारबरोसलार वर्सेस कुर्लुस मान हो चुका है। जब वीक ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग को पता चल जाएगा रेटिंग में कौन जीता। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि भाई आखिर जीत कौन गया है। रेटिंग को तो छोड़ दीजिए, पहले ही पता चल जाता है कि जीतने वाला कौन है। ये वीक मेरे हिसाब से बारबरोस की होने वाली है। मैं रेटिंग के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी पूरा मैं बताऊँगा कि क्यों मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस्मान का हॉर्स मर चुका है और यहाँ पर बारबरोस में मास्टर सुलेमान मर चुके हैं। मास्टर सुलेमान की डेथ एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होगी सीरीज़ में, क्योंकि जो अब बुक है वो हिज़र के पास आ चुकी है। और कुरल उस्मान की स्टोरी और बारबरोस की स्टोरी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बारबरोस की ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि कुरलुस उस्मान सीरीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुराक। बुराक अपने सामने कोई बड़ा एक्टर आने ही नहीं देते और अच्छे एक्टर कुरलुस उस्मान में आ ही नहीं पाते। छोटे मोटे एक्टर आते हैं जो के महंगे एक्टर्स के मुकाबले में टिक ही नहीं पाएंगे। बुराक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको डर लगता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम ना हो जाए, और इसी डर की वजह से ही ना ही एंगिन अल्तान इस सीरीज़ में आ पाए और ना चेंगिस चोस्कुन कभी आ पाएंगे इस सीरीज़ में। बहुत सारे एक्टर्स इसीलिए सीरीज़ से निकाल दिए गए और बहुत सारे एक्टर्स को सीरीज़ में शामिल ही नहीं किया गया। लेकिन सामने है बारबरोस, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम एक साथ काम कर रहे हैं, और जैसे कि एंगिन अल्तान, दुर्रातान, उलांशतुना एस्तपे और फिर यीट, ये सारे नाम एक सीरीज़ में होना बहुत ही बड़ी बात है। यीट तो भाई बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। इस एपिसोड में उरूज वर्सेस शाहीन बहुत ही ज़बरदस्त सीन थी, उस सीन को देखने में बहुत मज़ा आया। फिर जो उरूज पानी के पास खड़े रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छी सीन थी, जब वो दरवेश से मिलते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन थी। और मेरे हिसाब से ये सीन आपको भी अच्छी लगी होगी, जब शाहीन बे और जाफ़र एक दूसरे से बात कर रहे थे एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में। तब आप वहाँ पर देख सकते हैं कि एक टाइम पर जाफ़र शाहीन बे को शाहीन बोल देता है, फिर ये सीन बहुत ज़बरदस्त सीन थी। और एक टाइम वो रहता है जब हायरा बे उरूज के साथ बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या आपका सिपाही अबू मोहम्मद को ले आएगा। इसके बाद उरूज साफ साफ बोल देते हैं कि हाँ वो ले आएगा, मुझे पक्का भरोसा है। जब अमू मोहम्मद को लेके आता है तो इलियास बहुत खुश हो जाता है, उसको गले लगा लेता है। और ये सारी सीन्स बहुत अच्छे अच्छे सीन्स थे, और कुछ बैटल सीन्स में भी काफ़ी मज़ा आया, जैसे कि लास्ट वाली बैटल सीन जिसमें हिजर ने रात को उसकी औकात बता दी और शिप में पानी भर दिया, और उसके बाद उसने शायद नाम भी लिखा है अपना शिप के ऊपर। अब देखना है कि अगले एपिसोड में होने वाला क्या है। अगले एपिसोड के ट्रेलर में आप ये देख सकते हैं कि रात को गोली मारता है हिजर को, और हिजर को गोली लग जाती है, वो गिर जाता है। सीरीज़ में थोड़ी सी गलती ये है कि जो फाइट सीन्स दिखाते हैं वो काफ़ी तेज़ दिखा देते हैं अचानक से, और कुछ कुछ सीन्स में बहुत धीरे दिखाते हैं और सीन को शेक कर देते हैं, मतलब हिला देते हैं सीन को, जिससे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब आप नॉर्मल फाइट सीन्स रखें, जैसे अर्थरूल में थी वैसे आप अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सीन्स परफेक्ट थे। और आप तो शिप सीन्स, जो बैटल सीन्स रहती है शिप पे नेवी बैटल सीन्स, उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अगर लेके आ सकते हैं तो ज़रूर लेके आइए, क्योंकि सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है। फोर्थ एपिसोड की स्टोरी बहुत अच्छी थी, देखना आगे है कि होता क्या है। अगला जो ट्रेलर आया है वो भी बहुत अच्छा है, और मैंने ये भी सुना है कि सीरीज़ का जो डायरेक्टर हैं दौन उमित कराचा और आदिल अदीब चेंज कर दिए गए हैं, मैंने सुना है, और राइटर भी चेंज किए गए हैं। अब ये बात सच है या झूठ ये मुझे पता नहीं है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि राइटर और डायरेक्टर चेंज हुए हैं या नहीं। और आप लोग ये बताइए कि सीरीज़ का फोर्थ बोला आपको कैसा लगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुरलुस उस्मान और बारबरोस में जो फाइट स्टार्ट हुई है उसका आप यूट्यूब व्यूज़ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि जीतेगा कौन। कुरलुस उस्मान का जो नया एपिसोड है वो दो चैनल्स पर रिलीज़ हुआ है, एक ATV और दूसरा कुरलुस उस्मान ऑफिशियल्स। ATV वाले बोलम पर दो दिनों के अंदर व्यूज़ हैं 1.1 मिलियन, और जो
कुरलिस उस्मान ऑफिशियल चैनल पर आया है एपिसोड, उस है 14 घंटों में 187K व्यूज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बारबरोस का एक दिन पहले यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है और उस पर व्यूज़ है 1.1 मिलियन। यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि बारबरोस काफ़ी आगे है, एक दिन में 1.1 मिलियन, और कुरलिस उस्मान का जो ज़्यादा वाला है उसको गिने तो उनका 2 दिनों में 1.1 मिलियन, मतलब बारबरोस बहुत आगे निकलने वाला है कुरलिस उस्मान से। अब रेटिंग वाले भाई, मुझे समझ नहीं आता टर्की में हो क्या रहा है, टर्किश ऑडियंस मतलब ख़त्म है, पागल है बिल्कुल। अबे यार ये रेटिंग क्या दी है बारबरोस को, मैं रेटिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और वैसे ही मैं कुरलिस उस्मान के रेटिंग के बारे में जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए दोनों तरफ का अगर मैं जानता तो ज़रूर बताता इस वीडियो में, अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और एक चीज़ मैं कह दूँ कि टर्की वालों को पता नहीं क्या चाहिए, बारबरोस का ये एपिसोड बहुत अच्छा था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था, इसमें सब कुछ था, एक्शन था, कॉमेडी था, सब कुछ था, लेकिन तब भी इसको रेटिंग कौन देता है और किस बेसिस पर देता है। वैसे स्टोरी की बात करें तो बारबरोस और कुरलिस उस्मान में बारबरोस ज़्यादा अच्छा है। और फिर बात करते हैं व्यूज़ की, तो अभी आगे चल रहा है बारबरोस, क्योंकि 2 दिनों में उसका 1.1 मिलियन और बारबरोस का एक दिन के अंदर 1.1 मिलियन, मतलब बारबरोस आगे है। अब रेटिंग की बात करें तो वो मैं नहीं जानता, वो मैं आपको बता दूंगा कमेंट्री टैब में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था।